फर्स्ट क्वेश्चन है एंड डैश टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स ओन कंपोनेंट्स एक डैश एक कंप्यूटर को बताता है कि इसके घटकों को कैसे प्रयोग किया जाए तो कौन कंप्यूटर को बताता है कि इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको कैसे यूज किया जाए तो इसका राइट right आंसर क्या है इसका राइट right आंसर है डी ऑपरेटिंग सिस्टम ओके ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर को बताता है कि इसके घटकों को कैसे यूज़ किया जाएगा ओके okay, फ्रेंड्स और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूजर के बीच एक इंटरफेस होता है जो एक्टिविटीज़ की मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन और कंप्यूटर के रिसोर्स की जो शेयरिंग होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ओके okay, फ्रेंड्स और ये जो होता है मशीन को रन करने के लिए कंप्यूटिंग एप्लीकेशन के होस्ट के तौर पर एक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम ओके ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मशीन को रन करने के लिए कंप्यूटिंग एप्लीकेशन के होस्ट के तौर पर एक्ट करता है और ये हार्डवेयर और यूजर के बीच एक इंटरफेस होता है जो एक्टिविटीज की मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन और जो कंप्यूटर के रिसोर्स की शेयरिंग होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ओके okay, फ्रेंड्स तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है द डैश इज ए एवलिंग लेवर माउंटेड ऑन ए स्टेशनरी बेस दैट इज वेल सुड फॉर प्लेइंग वीडियो गेम्स एक स्थिर आधार पर लगा हुआ घूमने वाला उत्तोलक है जो वीडियो गेम खेलने के लिए उपयुक्त है तो जो वीडियो गेम खेलने के लिए उपयुक्त है वो कौन है तो इसका राइट आंसर है ए एस्टिक ओके द जोएस्टिक इज ए स्वेवलिंग लीवर माउंटेड ऑन ए स्टेशनरी बेस दैट इज वेल शूटेड फॉर प्लेइंग वीडियो गेम्स जोएस्टिक का यूज हम किसके लिए करते हैं जोए का हम यूज है ना कॉमनली वीडियो गेम्स को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं उसका ओके okay, और जोएस्टिक में एक बेस होता है और एक स्टिक होती है वो जो स्टिक होती है उसको हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं ओके फ्रेंड्स और इसको हम जो स्टिक से हम वीडियो गेम जो खेलते हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड है बैक स्पेस की इरेजेस क्रैक्टर्स टू द डैश ऑफ द कर्सर। द बैक स्पेस की इरेजिस क्रैक्टर्स टू द डैश ऑफ द कर्सर। बैक स्पेस कुंजी कर्सर के कौन से अक्षरों को मिटाती है जो बैक स्पेस की जो होती है वो कौन से वर्ड्स को मिटाती है तो इसका राइट आंसर है सी लेफ्ट वर्ड्स को मिटाती है बैक स्पेस कुंजी कर्सर के लेफ्ट के अक्षरों को मिटाती है ओके okay फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्थ है ए डैश मे हैव सेवरल हंड्रेड ट्रैक्स ऑन ईच साइड ऑफ ईच प्लेटर किस में प्रत्येक प्लेटर की प्रत्येक और सैकड़ों ट्रैक्स हो सकते हैं तो वो किस में होते हैं इसका राइट आंसर क्या है प्रत्येक प्लेटर की प्रत्येक और सैकड़ों ट्रैक्स हो सकते हैं तो वो कौन होता है इसका राइट आंसर है सी हार्ड डिस्क कौन होता है हार्ड डिस्क एक हार्ड डिस्क में प्रत्येक प्लेटर की प्रत्येक और सैकड़ों ट्रैक्स हो सकते हैं और हार्ड डिस्क क्या होता है इसको हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहते हैं ओके एच डी डी हार्ड डिस्क ड्राइव इसको हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहा जाता है और ये है एक नॉन वोला मेमोरी होती है और हार्डवेयर डिवाइस भी होती है ओके okay, फ्रेंड्स और जो हार्ड डिस्क होती है उसका काम क्या होता है कंप्यूटर में जो स्थाई डाटा होता है उसको स्टोर करना परमानेंटली और उससे हम रिट्रीव भी कर सकते हैं जो स्टोर किया हुआ डाटा होता है ना उसको हम रिट्रीव कर सकते हैं मतलब दोबारा भी प्राप्त कर सकते हैं उस डाटा को तो ये हार्ड डिस्क का काम होता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है डैस कैन बी कैटेगराइज इन टू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर में वर्गीकृत किया जा सकता है इसको ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर में वर्गीकृत किया जा सकता है तो इसका राइट right आंसर क्या है इसका राइट right आंसर है सी सिस्टम सॉफ्टवेयर को ओके सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर में वर्गीकृत किया जा सकता है सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर और अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछा जाए क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम्स को कहा जाता है जिनका काम सिस्टम मतलब कंप्यूटर को चलाने और काम करने योग्य बनाए रखना होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ओके सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर पर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कराने में हेल्प करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है आपके कंप्यूटर पर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कराने के कराने में आपकी हेल्प करता है ओके okay फ्रेंड्स और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है एक कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब क्या है कि कंप्यूटर विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर के रन नहीं करता ओके okay फ्रेंड्स समझ में आ गया सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर डिजाइन टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर अगर इसके एग्जाम्पल पूछे लाइक्स लिनक्स हो गया ओके okay? लिनक्स ये इसका एग्जाम्पल है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ में आ गया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स है बेसिक यूनिट ऑफ एवरी वेबसाइट और डॉक्यूमेंट ऑन द वेब इज ए कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन वेब पर प्रत्येक वेबसाइट या दस्तावेज की आधार इकाई एक डेस्क है जिसमें सूचना होती है तो किसमें होती है सूचना इसका राइट आंसर क्या है तो इसका राइट आंसर है बी वेब पेज में वेब पर प्रत्येक वेबसाइट या दस्तावेज की आधार इकाई एक वेब पेज है जिसमें सूचना होती है ओके और वेब पेज क्या होता है वेब पेज वो होता है जिस अगर हम कोई इंटरनेट पे कोई जानकारी सर्च कर रहे होते हैं तो वो हमें कौन ला के देता है वो हमें वेब पेज ही ला के देता है ओके फ्रेंड्स वेब पेज है ना बहुत सारी कलेक्शन करता है तब जाके एक वेबसाइट बनती है और वेब पेज एक जो बुक होती है उसके जो पेज होते हैं उसकी तरह ही होती है ओके okay. तो चलिए वेब पेज समझ में आ गया जो इंटरनेट पे हम जानकारी सर्च करते हैं वो सारी की सारी हमें वेब पेज ही ला के देता है और वेब पेज से ही हमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मिलती है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन्थ द डैश इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है ये तो वेरी इजी क्वेश्चन है इसका राइट right आंसर क्या है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर तो इसका राइट right आंसर है डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है ओके फ्रेंड्स सीपीयू क्या होता है सीपीयू कंप्यूटर के जो विभिन्न भागों को नियंत्रित करने वाला सेंट्रल पार्ट होता है ओके okay? और उसे सेंट्रल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है द पार्ट ऑफ़ ए कंप्यूटर्स दैट कंट्रोल्स ऑल द अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम ओके फ्रेंड्स और जो सी पी यू होता है द सी पी यू परफॉर्म्स बेसिक अर्थमेटिक लॉजिक कंट्रोलिंग एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन स्पेसिफाइड बाई द इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम तो सी पी यू कंप्यूटर का जो होता है प्राइमरी यूनिट होता है सी पी यू क्या होता है कंप्यूटर का प्राइमरी यूनिट होता है जो सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको प्रोसेस करता है सी पी यू क्या करता है जो जितनी सारी इंस्ट्रक्शन होती है ना उनको प्रोसेस करता है सी पी यू और ये है ना लगातार ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन को चलाता रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन होती है उनको ये लगातार चलाता रहता है कौन सी पी यू ओके और अगर यूजर के द्वारा जो भी इनपुट किया हुआ डाटा होता है उसके आधार पर दूसरे सभी सॉफ्टवेयर को चलाता है और ये इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस कर आउटपुट हमें देता है क्या है ये इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है और सी एक ऐसा यूनिट है जो कंप्यूटर के अंदर के होने वाले सभी कार्यों को पूरा करता है सीपीयू क्या होता है सीपीयू एक ऐसा यूनिट है जो कंप्यूटर के अंदर होने वाले सभी कामों को पूरा करता है वही सीपीयू होता है और जो इसका सारा का सारा काम है ना एक चिपसेट पर डिपेंड होता है इसका सारा का सारा काम कहाँ डिपेंड होता है चिप सेट पर डिपेंड होता है जो मदरबोर्ड में स्थित होते हैं छोटे छोटे कई चिप का एक ग्रुप होता है उसमें स्थित होता है ओके तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सी पी यू समझ में आ गया क्या होता है सी पी यू कंप्यूटर के सारे काम करता है अंदर के होने वाले सारे काम सी पी यू ही करता है तो इसे ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट है द डैश रिसाइड्स ऑन द मदर बोर्ड एंड कनेक्ट्स द सी पी यू टू द अदर डिवाइस दैट रिसाइड ऑन द मदर बोर्ड्स मदर बोर्ड पर रहता है और सी पी यू को अन्य युक्तियों से जोड़ता है जो मदर बोर्ड पर रहता है तो वो कौन होता है इसका राइट right आंसर क्या है इसका राइट right आंसर है बी सिस्टम बस सिस्टम बस क्या होती है जो मदरबोर्ड पर रहता है और सीपीयू और अन्य युक्तियों को जोड़ता है तो वो कौन है सिस्टम बस होती है ओके सिस्टम बस क्या होती है सिस्टम बस की हेल्प से जो जिसकी हेल्प से डाटा एक जगह से दूसरी जगह पर अगर डाटा ट्रैवल कर रहा होता है ना तो वही सिस्टम बस होती है क्या है एक जगह से दूसरी जगह पर डाटा ट्रैवल कर रहा होता है तो वही सिस्टम बस होती है सिस्टम बस जो कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटकों को होता ना जोड़ती है कंप्यूटर सिस्टम के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं ना उनको जोड़ती है ओके फ्रेंड्स सिस्टम बस समझ में आ गया क्या होती है सिस्टम बस जिसकी हेल्प से डाटा एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल कर रहा होता है तो वो ही सिस्टम बस होती है ओके ये देखो ये मदरबोर्ड पे जो ये ये लाइनें दिख रही है इन्हीं को सिस्टम बस कहते हैं ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है ए डैश स्कैन द हार्ड डिस्क फॉर फ्रेगमेंटेड फाइल्स एंड ब्रिंग्स ऑल द फ्रेगमेंट्स टुगेदर खंडित फाइलों के लिए हार्ड डिस्क को स्कैन करता है और सभी टुकड़ों को एक साथ लाता है तो वो कौन होता है इसका राइट right आंसर क्या है इसका राइट right आंसर क्या है इसका राइट right आंसर है ए डिस्क डी फ्रेगमेंटर क्या होता है डिस्क डी फ्रेगमेंटर डिस्क डी फ्रेगमेंटर क्या होता है जो मतलब इधर उधर जो डाटा बिखरा पड़ा रहता है ना इधर उधर जो डाटा बिखरा पड़ा रहता है उनको एक सीक्वेंस में एक सीक्वेंस में लगाता है वो ही डी डिस्क डी फ्रेगमेंटर होता है ओके जो फ्रेगमेंटेड डाटा होता है ना उसको डी फ्रेगमेंटेड करता है तो उसी को डिस्क डी कहा जाता है कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में फ्रेगमेंटेड मतलब जो अर्थात बिखरी पड़ी हुई जो जितनी डाटा होती है ना उनको एक सीक्वेंस में करने का काम डी का होता है उसी को डिस्क डी कहा जाता है ओके फ्रेंड समझ में आ गया डी दिफ्रेंट, डिस्क डी क्या होता है ये देखो ये जो ये जो है ऊपर वाला ये फ्रेगमेंटेड डाटा है ये बिखरा पड़ा है और ये जो नीचे है ये सिक्वेंस में लगा रखा है डाटा को ये डी फ्रेगमेंटेड डाटा है तो इसी को डिस्क डी कहा जाता है समझ में आ गया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेंथ है एज द सीपीयू इज लोकेटेड ऑन ए स्मॉल चिप इट इज आल्सो कोल्ड द सी एक छोटी चिप स्थित होता है इसलिए इसे और क्या कहा जाता है सी एक छोटी चिप स्थित होता है इसलिए क्या कहा जाता है इसको इसका राइट right आंसर क्या है इसका राइट right आंसर है बी माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है इसको ओके okay. सी एक छोटी चिप स्थित होता है इसलिए इसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है एज द सी पी यू इज लोकेटेड ऑन ए स्मॉल चिप इट इज़ ऑल्सो कोल्ड द माइक्रो प्रोसेसर ओके फ्रेंड्स माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है एक माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम में एक सीपीयू होता है मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है या प्रोसेसर होता है जो एक चिप पर लगाया जाता है और इसे ही हम क्या कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं ओके okay? समझ में आ गया माइक्रो प्रोसेसर क्या है एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें लाखों ट्रांजिस्टर है न एकीकृत परिपथ मतलब इनका जो हम है ना इंटीग्रेटेड सर्किट या जो आईसी चिप होती है ना उसके रूप में उसका यूज करके उसको तैयार कर सकते हैं ओके फ्रेंड्स माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम में एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोसेसर जो एक चिप पर लगाया जाता है तो उसे माइक्रो प्रोसेसर हम कहते हैं समझ में आ गया माइक्रो प्रोसेसर तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको ये टेन क्वेश्चन करवाए हैं अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना ओके okay? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू